मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू ऑल वर वेरी फिट एंड फाइन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू चैप्टर फॉर स्टैंडर्ड टू एंड सब्जेक्ट इज एनवायरमेंटल स्टडी. नाउ द चैप्टर नेम इज प्लांट्स किंगडम. चैप्टर नेम इज प्लांट किंगडम. देखिए, हमको मालूम है कि हम आपके बचपन से पेड़ पौधे प्लांट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितने टाइप्स के प्लांट होते हैं, कितने टाइप्स के ट्री होते हैं, प्लांट और ट्री का क्या क्या यूज़ है, उसको हम लोग कैसे कैसे यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, आप लोगों को तो मालूम है. तो ये चीज़ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है. चलिए देखिए, आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट. सबसे पहले क्या है टाइप्स ऑफ प्लांट. प्लांट्स कितने तरह के होते हैं? तो देखिए, प्लांट्स है ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्लिपर्स. अब देखिए, ट्री एग्जैक्टली क्या? बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट, जो बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है, टॉल है, इस प्लांट को हम लोग कहते हैं ट्री. ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? ट्री. हर्ब्स, शॉर्टर एंड स्मॉलर ट्री. ये तो बड़ा हो गया. अब जो छोटा है उनको हम बोलेंगे शर्ब्स. इसके बाद वेरी स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, जो बहुत सॉफ्ट है और ग्रीन है, थिन है, पतला है, दैट इज हर्ब्स. घास बोलते हैं हम, घास, दैट इज हर्ब्स. इसके बाद क्लिम्बर जो एक दूसरे को लत्तर पकड़ के चढ़ते हैं. वीक स्टेम दैट गो अलोंग द ग्राउंड. वीक स्टेम है, उसको किसी के सहारे की जरूरत है और उसी के सहारे के हिसाब से ऊपर चढ़ता है. एंड लास्ट में है क्रीपर. वीक स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ठीक है, तो ये तो हो गया जिसका स्टेम कमजोर है और ये से जो ग्राउंड में रहते हैं, ग्राउंड में फैलते हैं. इसको मैं आप अलग अलग डिस्क्रिप्शन आपको कर देती हूँ. देखिए वो फिर से ट्री. वॉट इज ट्री? बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वॉट इज ट्री, तो आप लोग कहेंगे बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. अ ट्री हैज स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक. जो उसका ट्रंक, जो ये जो होता है उसका जो ये स्टेम रहता है ना, ये जहाँ से फिर ऊपर ब्रांचेस जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रंक. बहुत मोटा होता है. कभी देखा है आपने पेड़ों के ये ट्रंक्स बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रंक. जैसे आपने नीम का पेड़ देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, गुलमोहर का देखा होगा, पैनियन का देखा होगा, देखा उसका उसका ट्रंक कितना बड़ा रहता है, बहुत लंबा पेड़ रहता है, वो बहुत बड़ा पेड़ रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्री. उसके बाद शर्ब्स. वॉट इज शर्ब्स? शॉर्टर एंड स्मॉलर, छोटा और ट्री से छोटा, स्मॉलर देन ट्री. ट्री से जो छोटा होगा पेड़ और जिसका बहुत सारा, यहाँ पे बोला है कि ब्राउन वुडी स्टेम, दे आर ब्रशी प्लांट्स विद थिन ब्राउन वुडी स्टेम. उसका पेड़, ट्री इतना मोटा नहीं होता है, ट्रंक थोड़ा कम रहता है. जैसे कि आप देखिए रोज प्लांट आपने देखे होंगे, मैक्सिमम जो देखोगे तो उसमें फूल खिलते हैं, छोटा सा पेड़ रहता है. वैसे कॉटन का, मेहंदी का पेड़ तो बहुत लड़कियों ने देखा होगा, लड़कों ने भी देखा होगा, बिल्कुल देखिए वो भी छोटे छोटे पेड़ रहते हैं. ठीक है, उसका भी जो है आपका ट्रंक ब्राउन ही रहता है, लेकिन पतला रहता है, बिल्कुल रहता है ना. तो इसको हम बोलते हैं क्या? शर्ब्स. क्या बोलते हैं? शर्ब्स. इसके बाद हम लोग बात करते हैं हर्ब्स की. वेरी स्मॉल प्लांट विद थिन सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, जिसका थिन सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है, इसको हम बोलते हैं शर्ब्स. दे लीव ओनली फॉर वन सीजन, एक ही सीजन के लिए वो लोग रहते हैं. या देखिए ग्रास, घास, देखिए आप लोग घास बिल्कुल देखे होंगे, तो देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम, जिसमें चलते तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट रहता है. वैसे ही मिंट. उसके बाद बात करते हैं कोरिएंडर, धनिया वगैरह आपने देखा होगा, उसका भी बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत अच्छी स्मेल भी आती है उसमें से, इसे बहुत सॉफ्ट रहता है, इसे वन सीजन के लिए रहते हैं. उसके बाद बात करते हैं क्लिपर्स. किस
बात करते हैं क्लिपर्स। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स एंड कैन नॉट स्टे स्ट्रैट। वो अपने वीक स्टेम की वजह से वो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो। उसको बढ़ने के लिए किसी चीज का सपोर्ट चाहिए होता है। उसको बढ़ने के लिए किसी चीज का सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मनी प्लांट्स, बहुत के घर पे मनी प्लांट्स होंगे, बहुत के घर पे होंगे। तो मनी प्लांट्स की बात हो गया। इसके अलावा पी प्लांट, मटर, मटर का जो प्लांट्स रहता है वो भी हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया किसका, क्लिपर्स का। किसका हो गया, क्लिपर्स का। आगे बात करते हैं क्रीपर्स का। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कुछ ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ ग्राउंड पर ही फैलते हैं और वहीं पे उसमें से फ्रूट्स वगैरह होते हैं। जैसे कि पंपकिन, तरबूज आजकल मार्केट में बहुत आ रहे हैं। देखिए उसका लत्तर रहता है, नीचे नीचे वो फ्रूट होता है। वाटरमेलन तरबूज जो आप लोग मार्केट में देख रहे हैं, पपकी जो येलो जो कद्दू रहता है वो भी नीचे नीचे, क्योंकि वो इतना भारी फल रहता है वो सर, कि वो उसका स्टेम इतना कमजोर रहता है लेकिन फल उसका भारी है, इसकी वजह से वो ऊपर नहीं होते, वो नीचे नीचे ही फ्लोट करते, नीचे नीचे ही वो बढ़ते हैं। तो ये सब हो गया एग्जाम्पल। पीला कद्दू आपने देखा ही होगा, वाटरमेलन देखा ही होगा। उसका देखिए उसका जो स्टेम रहता है वो बहुत ही पतला रहता है। तो ये हमने बात की टाइप्स ऑफ प्लांट। कितने टाइप्स के प्लांट होते हैं हमारे पास, है 5 टाइप्स ऑफ प्लांट, ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर्स एंड क्लिम्बर्स। और देखिए यहाँ पर एक पेड़ को प्लांट्स बनाया है, प्लांट दिखाई दे रहा है आप लोग को। यह लीफ, फ्लावर, बर्ड्स, फ्लावर में से जो बर्ड्स निकलते हैं उसमें से फिर फ्रूट्स निकलता है, फिर फ्रूट्स, स्टेम एंड लास्ट में है रूट। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ यूजेस ऑफ प्लांट्स का। क्या बताने जा रही हूँ, यूजेस ऑफ प्लांट्स का।